कैसे चलता है? ए बॉडी बिल्डर है, नहीं भैया ऐसे नहीं होगा। ले फिर आ गए। जय हिंद। हम लोग बात करेंगे कि अपना पोस्चर कैसे सही करें। किसका पोस्चर? अपने बॉडी का पोस्चर। आप ऐसे हुए पड़े हो, गर्दन भी ऐसे हो गई ससुरी, इस तरीके से ये पोजीशन आप लेके घूम रहे हो, तो इसमें क्या होता है ना, आपके काम के वजह से ऐसा होता है। आप जब कुर्सी बैठते हो तो पीछे नहीं लगाते हो, ऐसे ही बैठ जाते हो। टेबल बैठते हो तो ऐसे उसका सहारा लेके। जब आप ज़्यादा ज़्यादा आगे की तरफ झुकोगे ना, और चलते भी आप ऐसे जैसे पूरी दुनिया लूट गई है। कुछ लोग तो ऐसे चलते हैं, संजय दत्त वाला। तो भैया जब आपका चेस्ट ऐसे रहेगा तो आपकी बॉडी डे बाय डे वो उसी टाइप से होती जाती है, ट्रेंड होती जाती है कि भैया हमको लड़कना है, तो आपने लड़का दिया। जब आप सीधा होकर चलेंगे और तो आप देखेंगे कि आपका जो पोस्चर एकदम सही हो गया। लेकिन जब आपने अपना पोस्चर खराब ही कर लिया है तो उसको सही करने की बात हो रही है इस वीडियो में, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ नहीं करना होगा, 8 से 10 मिनट अगर आप डेली दे दिए तो आप देखेंगे आपको पोस्चर एकदम सही हो जाएगा, गजब हो जाएगा। लेकिन भैया उसके बाद जब सही हो जाए, एक कार में ये मत करना कि फिर से मत तुम उल्टा सीधा करते रहना। जब भी कुर्सी बैठो सीधे बैठो, जब भी अपना काम करो सीधे होकर करो, कोशिश करो आपकी रीढ़ एकदम सीधी रहे तो पोस्चर खराब ही नहीं होगा। लेकिन अगर खराब कर लियो तो बिना किसी टाइम वेस्ट के, बिना किसी एडमेंट के लिए सिस्टम। तो मेरे दोस्त, हम लोग बात करेंगे पहली एक्सरसाइज क्या है। ये जो तुम्हारी पीठ है, ये जब ऐसे हो गई है, आपकी गर्दन ऐसे हो गई है, आपने ये कंडीशन ले लिया, जिसको सही करने के लिए घुटने बैठ जाओ जमीन पे, बैठ जाओ तुलवा जिस तरीके से ये बैठा है। ध्यान संभल लो, पूरा माइंड अभी इसी पे डाल लो। इस तरीके से हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रेच हो रहा है, इधर आगे जाएंगे, चलो ये इस तरीके से नीचे जाके अब उसके बाद एकदम आर्च बना देंगे। ये कंडीशन होगा आपकी, जो ये मुड़ी है मुंडिया और मतलब गर्दनवा एकदम ऐसे हो जाएगी, रीढ़ एकदम इस तरफ करो, फिर से पीछे जाओ। तो ये होगा 1, आगे जाओ ये होगा 2। ये इसे अगर आपने देखा 10-12 अगर आपने कर लिया, और एकदम स्लो करना है, बहुत तेज़ी से नहीं करना है, पोजीशन नीचे आराम से, फिर जाओ और पूरा स्ट्रेच करो, पूरा फील लो, जो ससुरी ऐसी हुई गेम ना एकदम सही कर दो। चलो तो एक बार में आपको कितना करना है, 10 से 12 डेली अगर आपने 10-12 कर लिया, आप देखेंगे आपका पोस्चर सही होने लगा। जो रीढ़िया एकदम बैंड बना दिए हो, रीढ़िया को मतलब एकदम भ्रष्ट कर दिए हो, वैसे हो जाएगा गर्दनवा, जो ससुरी ऐसी हो गई वा वो सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, रिलैक्स करो। तो ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके बैक में पेन है, पीठ में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, उसके लिए भी रामबाड़ काम करेगी, दवा काम करेगी। उसके साथ एक और फायदा ले लो, दूसर की जो एक्सरसाइज है, एक जेबल ले लो, जेबल मतलब रस्सी ले लो, कोई ऐसी रस्सी ले लो, अगर रस्सी नहीं कोई रबर ले लो, कोई लाठी ले लो, डंडा ले लो, थोड़ी बड़ा होना चाहिए। जो उन कंधवा की बैंड बजा के रख दिए हम लोग ऐसे कर दिए हैं, उसको सही करने की ये एक्सरसाइज है। पकड़ लो जिस तरीके से आप पकड़ सकते हो अपने कंधे के समान, छोड़ा थोड़ा बाहर पकड़ेंगे हम लोग। बहुत बवाल एक्सरसाइज है। अगर आपके यहाँ पे इंजरी हो गई है क्या, तो उसके लिए भी काम देगी। अगर नहीं हुई है आपका पोस्चर सही करने के लिए, ये है, आप यहाँ पे आगे लाएंगे, उसके बाद बिना इसको मोड़े पीछे ले जाएंगे, चलो लेट्स गो। तो ये बहुत बवाल चीज़ है। मुझे लगता है कि अगर आपके कंधे में कोई इंजरी हुई है, कंधे में दर्द हो रहा है, कंधे को सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए और उसका पोस्चर सही करने के लिए यही करना पड़ेगा आपको। ये आपको एक बार में 12 से 15, और अगर तुम वार्म अप कर रहे हो कोनो चीज़ का, हम लोग वार्म अप करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, उसमें शोल्डर का वार्म अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बैंड बचती है। तो इसका वार्म अप, इसको रेडी करने के लिए आप ये कर सकते हो वार्म अप के तरीके से। और अगर बैंड बजा हो शोल्डर का पोस्चर आपने ऐसे कर दिया, तो ये भी कर सकते हो। तो इसको भी आप 20-25 जितना कर सकते हो, आप ही के लिए फायदा होगा, हमारे थोड़ी होगा, रिलैक्स करो। तीसर की जो एक्सरसाइज है, आप लेट जाएंगे जमीन पे, लेट जाओ बेटा, इस तरीके से लेट जाएंगे एकदम जबरदस्त, और जब तक नींद ना आए तब तक सो जाओ, तो मजाक कर रहे हैं, और पैर को मोड़ लो। तो ये इतना कर सकेंगे, 90 डिग्री अपने मतलब चेस्ट को एकदम सटा के रखेंगे, लोअर बैक जो है आपकी बैक एकदम सटा के रहेगी, और इतना जो एरिया है ये उठेगा, चलो ये इस तरीके से, चलो थोड़ा थोड़ा कम उठाओ। तो अगर आप इतना कर रहे हैं ना, बेमतलब का कर रहे हैं, पूरा ऊपर आना पड़ेगा, इतना तक आओ ताकि जो आपकी कमर बैंड बजी हुई है, कमर सही हो पाए। कमर का जो आपने इस तरीके से कर दिया है, उसका पोस्चर खराब होगा, ये जरूरी है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो दर्द को ठीक करने के लिए ये दवा काम करेगा। ऐसी दवा है कि खाना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा, और पोस्चर भी सही करने में वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा, हेल्प करेगा। ये काहे नहीं करते हो, करो, बहुत बवाल चीज़ें वारों पे शामिल कर लो भाई, सुबह कर लो चाहे जब कर लो, करो तो मज़ा आएगा, रिलैक्स करो। 4 नंबर जो चीज़ करने वाले हैं, ये ना आप देखेंगे आपके पूरे यहाँ से लेके मुड़वा तक एकदम पोस्चर सही कर करके सीधा करके रख देगी, वो है प्लैंक। चल बेटा अपने घुटने को ऐसे रख दो हाथ को, चलो पैर सीधा करो। इसमें फ़ायदा ये है कि आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, ड्रामेबाजी नहीं, अंडमंड नहीं, सीधा आपका पैर सीधा होगा, पूरा टाइट रखो, पेट सीधा होगा, पूरा टाइट रखो, रीढ़ सीधी होगी, पूरा टाइट रखो, थोड़ा ऐसे करके सामने नहीं इतना, ये कंडीशन होगी, एकदम ऐसे भी ना करो तो ये कंडीशन होगी। देख रहे हो पूरी सीधी लाइन, पोस्चर एकदम सही करके रख देगा। एक बार में आप 1 से 1.5 मिनट तक होल्ड करो, टिक जाओ, और 1-1 मिनट के 2-3 बार लगा लो, लेकिन एक बार तो जरूर करो, समझ लो, खाली बाजी नहीं,
खाली बाजी से अच्छा है कि एक दो बार कर लो, रिलैक्स करो। तो ये चार एक्सरसाइजेज है जो आपके पोस्चर को जो हाइचे हुआ है उसको एकदम सीधा कर रख देगी। अगर सीधा हो गया एक तुम्हारा काम बनता है गुरु, कर लो, ये काम करना पड़ेगा। क्या है, जब भी आप जा रहे हो कहीं पे तो ऐसे मत जाओ, अपने सांस को जब खींचोगे ना, सीना टाइट रखोगे ना, तो कभी तुम ऐसे नहीं रहोगे। कभी किसी को देखो सीना टाइट कैसे चलता है, बॉडी बिल्डर है नहीं, ऐसे नहीं होगा, कोई ऐसा चलता ही नहीं है। कुर्सी पर बैठो एकदम राजा की तरह बैठो, ये कहा है भाई ना। तो ये एक दो तीन चीज़ें ध्यान रख लो, बहुत मजा आएगा। पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे करके पढ़ो मेरे भाई, कभी भी कोशिश करो अपनी रीढ़ सीधे रखने का प्रयास करो। yes, तो क्या क्या सही हो जाएगा आपका पोस्चर, बॉडी आपका पोस्चर सही हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक कहाँ से करेंगे, है ना सर, वो ऑप्शन दिया एक बटन है, ये जो ई वाला है ये लाइक है, ये वाला डिसलाइक है। ये एक लड़का बोल रहा था हम दो ही लाइक कर दिए, अरे एक बार लाइक एक बार डिसलाइक कर दिए हो भाई, ऐसा ना करो यार, काहे हमको लोग को परेशान। जय हिंद।